फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू टीच। हाँ जी, क्लास नाइन्थ, कैसे हो बेटा आप सभी? हाँ जी बेटा, अब हम शुरू करने वाले हैं अपना थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अभी आप ये मत सोचना कि मैम केमिस्ट्री के पीछे ही पड़ गए हैं, ठीक है, कोई और सब्जेक्ट नहीं करा रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या है, हम क्या जो हमारा हमने जो अभी तक चैप्टर नंबर वन और टू किया है, ठीक है, तो आपको भी पता है जो चैप्टर नंबर वन है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट जो है आपका वो डिलीट हो गया है। ठीक है, तो ये वाला तो अब पेपर में पूछा जाने वाला नहीं है। तो एक्चुअल में तो अभी हमने सिर्फ एक ही चैप्टर किया ना अपना, चैप्टर नंबर टू। ठीक है, इसीलिए मैंने जो आपका चैप्टर नंबर थ्री है वो भी अभी शुरू करा दिया। ठीक है, ताकि एटलीस्ट टू चैप्टर हम केमिस्ट्री के कंप्लीट कर लें, फिर हम दूसरा जो सब्जेक्ट है हमारा उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद मैं तुम्हें लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर करा दूंगी, बायो का चैप्टर। ठीक है, तो आज जो ये वीडियो है ये है पार्ट आपका 3.1A। ठीक है, यानी इसके बाद 3.1B भी बनेगा। यानी क्या है कि इस वाले पार्ट में मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाने वाली आपके चैप्टर से रिलेटेड, लेकिन ऐसी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे जो आपको हेल्प करेंगी चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है जी, समझ में आया? ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में हम समझेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, कि क्या मेटल्स होती हैं, उनकी क्या पोजीशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, एंड नॉन मेटल्स की क्या पोजीशन है। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, उनके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, उनके सिंबल्स देखेंगे, उनका नाम देखेंगे। ठीक है, ताकि आप इनसे फेमिलियर हो जाओ, इसीलिए मैं आपको ये करा रही हूँ पहले। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है, ऑफ जो आपका वीडियो नंबर बी है। ठीक है, तो आप इसको देखने के बाद इसको ज़रूर विजिट कर लेना। ठीक है, क्लियर है जी? चलो, तो देखो बेटा, ये हमारे अराउंड जो हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें अराउंड कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स आर देयर। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे जो है आपके लिए 30 तक की टेबल लगा दी है, क्योंकि इससे बड़ी लगाना पॉसिबल भी नहीं था पीपीटी की स्लाइड पे। ठीक है, तो हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैं तो आपको कहती हूँ कि आपको एटलीस्ट 30 तक ये टेबल याद होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या है इनके, ठीक है, एटॉमिक नंबर समझो इनके क्या हैं, 1, 2, 3। ठीक है, यानी ये क्या है, एक सीक्वेंस में पूरा अरेंज हो रखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके ये एलिमेंट्स। ठीक है, और इधर जो है इनका एटॉमिक मास दे रखा है। जस्ट एक बात ध्यान रखना कि जो एटॉमिक नंबर होता है ना उसका डबल होता है अप्रोक्सीमेटली आपका एटॉमिक मास। ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली देखो, अभी 1 है एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहा एटॉमिक मास। ठीक है, 2 है तो 2 का डबल 4 हो गया हमारा, 3 है तो 6.94, तो ऑलमोस्ट हम क्या मान के चलेंगे इसको, 7 मान के चलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो 4 है तो एक और बढ़ गया, ठीक है, 8 की बजाय 9 हो गया, 5 है तो 10 हो गया, ऑलमोस्ट 11 ही है। ठीक है, 6 है तो 12 हो गया, 7 है तो 14 हो गया, 8 है तो अब 16 पे भी 0.1 की कमी है, 0.01 की कमी है। ठीक है, 9 का डबल 18 होता है लेकिन 19 है, 10 का डबल देखो 20 है लेकिन 0.18 है। ठीक है, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, तुम्हारी डबल होंगी। ठीक है, क्लियर है? मैंने तो ऐसा कर दिया, तुम्हारा कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, लेट मी रेज दिस। ठीक है, अभी आप प्लीज़ सॉरी फॉर दिस, आप प्लीज़ ध्यान से एक बार देख लेना। ठीक है, ये हमारी क्या है, एलिमेंट्स हैं, इधर आपका एटॉमिक नंबर है एंड इधर ये आपके एटॉमिक मास है। ठीक है, जो कि एटॉमिक नंबर के अप्रोक्सीमेटली डबल है। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार मैं दोबारा फिर से आपके लिए पढ़ देती हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये 30 एलिमेंट्स जो हैं, आप प्लीज़ इन 30 एलिमेंट्स को तो एटलीस्ट लर्न कर लेना। ठीक है, इसमें विजिबल है, सॉरी वो उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, चलो
अभी देखो ये तुम्हारी बेटा बेसिकली क्या है, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स है। अभी तुम यहाँ पे क्या देखोगे, देयर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ पे आपको ये कितनी सारी रोज दिख रही है ना, और कितने सारे कॉलम्स दिख रहे हैं, तो कितने हैं ये होते हैं 18, ठीक है, 18 आर देयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अरेंजमेंट आप यहाँ से समझ जाओगे। देखो जो ये वाला कलर है, ठीक है, दिस इज फॉर योर नोन मेटल्स, ठीक है, दिस इज फॉर योर नोन मेटल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारी जो ये वाला कलर है, दीज आर योर एल्कली अर्थ मेटल्स, दीज आर योर अदर मेटल्स एंड दीज आर एल्कली मेटल्स, ठीक है। तो देखो ये है हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, ठीक है, ये पे ये जो है ये सारी आपकी ये मेटल्स हैं, ये भी सारी मेटल्स हैं, लेकिन कौन सी मेटल्स हैं, ये एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, एंड ये एल्कलाई अर्थ मेटल्स हैं। अभी आपको इनसे मतलब नहीं है कि इनका मतलब क्या है, एल्कली अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपकी सारी जो है ये सारी की सारी ट्रांजिशन मेटल है। इनको हमने नाम ट्रांजिशन मेटल क्यों दिया है, क्योंकि ये मेटल्स एंड जो है इन मेटल्स, एल्कली मेटल्स एंड यहाँ पे जो आपके ये नॉन मेटल्स है ना, इनके बीच में आ रही है, ट्रांजिशन भी है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझ लो, ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, बीच वाली मेटल्स, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन जो है वो गैस फॉर्म में होती है, लिथियम सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, एंड ब्रोमीन जो है आपका वो लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड जो तुम्हारा ये टाइटेनियम है, ठीक है, दिस इज योर सिंथेटिक, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ये आपके जो होते हैं वो होते हैं हेलोजेंस, ठीक है, ये होती हैं आपकी इनर्ट एलिमेंट्स, ठीक है, इनका जो ऑक्टेट है वो पूरा रहता है, ठीक है। तो क्लियर है, यहाँ पे आपकी ये सारी मेटल्स प्रेजेंट है बेटा, देख लो, हाइड्रोजन, फिर इधर आ जाओगे हीलियम, ठीक है, हीलियम इज अ नॉन मेटल, ठीक है, फिर लिथियम, बेरिलियम, फिर इधर आ जाओ बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये तुम्हारी इधर नॉन मेटल हो गई, ये इधर तुम्हारी सारी मेटल हो गई, ठीक है। तो मैंने 30 तक तुम्हें अभी दिखाया था नेम्स एंड सिंबल्स, ठीक है। तो अभी इन 30 तक में देखो तुम्हारा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियोन, ये तुम्हारी सब क्या है, नॉन मेटल्स है, क्लियर है। ये वाली सारी आपकी क्या है, नॉन मेटल्स है, ठीक है। अभी देख लो इधर भी दोबारा से मैं एक तुम्हारे लिए टेबल लगा दी है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल एच, ठीक है, उसमें सिंबल नहीं था प्रेजेंट, हीलियम, हीलियम का सिंबल एच ई, लिथियम, लिथियम का सिंबल Li, बेरिलियम इज Be, बोरोन इज B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, ठीक है, ऑक्सीजन O, ठीक है। ऊपर वाली जो आपको ये कॉलम है ये विजिबल नहीं है, लेकिन जस्ट देख लो, ये एटॉमिक नंबर है, ये तुम्हारे 1, 2, 3, 4 ये एलिमेंट्स के नेम है, ये सिंबल्स हैं, एंड ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है, दिस इज योर वैलेंसी, ठीक है। तो एक अलग से वीडियो कभी मैं बना दूंगी तुम्हारे लिए, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, तो अभी इस पे आप ध्यान मत देना, ठीक है। तो बोरोन, कार्बन का सी हो गया, नाइट्रोजन का एन, ऑक्सीजन का ओ, फ्लोरीन का एफ, नियोन का एनी, ठीक है, इधर आ जाओ, फिर सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकन का Si, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K एंड कैल्शियम का Ca, ठीक है जी। तो आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये एटॉमिक नंबर 30 तक आप एक तो याद कर लो, ठीक है, कि किसका क्या एटॉमिक नंबर है, एंड दूसरा इनका सिंबल ज़रूर याद कर लो, ठीक है, एटलीस्ट आर्गन तक तो सिंबल याद कर लो, ठीक है। बाकी फिर जैसे कि कुछ कुछ इम्पोर्टेंट का कर लो, जैसे कि आपका स्कैंडियम का Sc है, कैल्शियम का Ca है, पोटेशियम का K है, अभी बताया था, मैग्नीज का Mg है, क्रोमियम का Cr है, आयरन का Fe है, कोबाल्ट का CO है, निकल का Ni है, कॉपर का Cu है, जिंक का Zn है, तो मैंने बता भी दिए हैं, इनके नहीं थे तो आप इनको भी ज़रूर याद रखना, ठीक है।
चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है, लेकिन दिस इज ओनली दी इंट्रोडक्टरी वीडियो, ठीक है, जस्ट तुम्हारी कि आगे जो चैप्टर है तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने ये डाल दिया है, ठीक है, ताकि केमिस्ट्री तुम्हें थोड़ी ठीक लगे, फैमिलियर लगे, एंड जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी जो 3.1B वाली वीडियो है उसको ज़रूर आप वॉच कर लेना। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यू टीच।